हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अमरकंटक घूमने गए हुए थे, तो मैंने वहाँ का व्लॉग बना लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग आ गए हैं अमरकंटक, और ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग मंदिर भी पहुँच चुके हैं। तो ये है श्री माता नर्मदा का मंदिर, उद्गम स्थल, यहीं से माँ नर्मदा प्रकट हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मंदिर के बीचों बीच में एक कुंड बना हुआ है जिसमें नर्मदा जी माता हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यह मंदिर का कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये अमरकंटक एमपी में पड़ता है और यहीं से माँ नर्मदा जी निकली हुई हैं अमरकंटक में, ये उनका मंदिर है। तो चलिए, अमरकंटक पहुँचते पहुँचते 12 बज गया था और 12:30 बजे मंदिर के जो मेन मंदिर है उनके कपाट बंद होने वाले थे। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले जो नर्मदा मंदिर का मेन मंदिर है वहाँ पे जाके नर्मदा जी के दर्शन कर लेते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ लाइन लग चुकी है और मंदिर के दरवाजे बंद होने वाले हैं, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए इतनी लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो अब हम लोग भी लाइन में लग जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने अब नर्मदा जी के दर्शन कर लिए हैं। मैंने अंदर का वीडियो कैप्चर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे वीडियो कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए अब हम लोग दर्शन कर लिए हैं और पीछे के रास्ते से बाहर आ गए हैं। तो ये मंदिर के पीछे का व्यू कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये इतनी ऊँची बाउंड्री वॉल बनी हुई है, अब पूरे मंदिर बाउंड्री वॉल से घिरा है। अब हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, बाकी मंदिरों में भी दर्शन करेंगे। और जो नर्मदा जी जहाँ से प्रकट हुई हैं वहाँ पे भी मंदिर है, तो वहाँ जाके भी नर्मदा जी का दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मंदिर बहुत अच्छा है, कभी आप लोगों को लगे तो ज़रूर आइए यहाँ पे माँ नर्मदा जी के दर्शन करने। और आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नर्मदा जी का मेन उद्गम स्थल है। यहाँ पे ये कांच से पूरा कवर किया हुआ है यहाँ पे, और अंदर नर्मदा जी की पत्थर की मूर्ति रखी हुई है और साथ में शंकर जी की भी पिंडी रखी हुई है और एक बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए नर्मदा जी के।
ये देखिए यहाँ से नर्मदा जी निकली हुई हैं, तो बोलो नर्मदा मैया की जय। तो फ्रेंड्स, पूरा अमरकंटक का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका फर्स्ट पार्ट जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें सिर्फ नर्मदा जी मंदिर का पूरा मैंने व्लॉग बनाया है और नर्मदा मंदिर का पूरा आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी। और इसका सेकंड पार्ट में मैं बाकी अमरकंटक के और भी जो दर्शनीय स्थल हैं उनका व्लॉग बनाऊंगी और उसका वीडियो आपके साथ सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और हाँ, अमरकंटक में इतने बंदर हैं, मंदिर में भी इतने सारे बंदर थे। अभी आप देखिएगा, ये सामने जो भैया आ रहे हैं उनके हाथ में जो ऑरेंज कलर का थैला है वो देखिए बंदर आया, और जिसके भी हाथ में प्रसाद या थैला दिखता बंदर छीन लेता है। ये देखिए उन बंदर ने किस तरह उनका थैले को फाड़ दिया है। फिर ये मंदिर के सामने एक पत्थर के हाथी की प्रतिमा बनी हुई है और एक घोड़े की प्रतिमा बनी हुई थी, और इस हाथी के नीचे से सब लोग निकल रहे थे और पंडित जी बता रहे थे कि जो पापी लोग होते हैं वो यहाँ पे निकलेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, इसलिए सब एक एक करके कोशिश कर रहे थे निकलने की। मेरे बच्चों ने भी यहाँ से निकला। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बड़ा सा हाथी बना हुआ है और उसके जस्ट सामने एक घोड़े की मूर्ति भी बनी हुई है। उसमें दो प्रतिमा और रखी हैं जिनका सिर नहीं है, उसका तो मुझे नहीं पता ऐसी मूर्ति क्यों है। उसमें एक लाल चुनरी ढकी हुई थी। और ये देखिए अब हम वहाँ से आगे आ गए हैं और बहुत बड़ा मंदिर है, घूमने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और बहुत सारे यहाँ छोटे छोटे बड़े और ढेर सारे मंदिर हैं जिसमें और भी भगवान की मूर्ति है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से है ये मंदिर। कुछ यहाँ पे बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं माँ नर्मदा के दर्शन करने। आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना बड़ा है और इस मंदिर में आके इतना अच्छा लग रहा था, इतनी शांति लग रही थी कि बस यहीं हम घूमते रहें और कहीं ना जाएं। पर हमको और बाकी जगह पे भी जाना था इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन कर रहे थे। और आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। और ये पूरे मंदिर के बीच में नर्मदा जी का कुंड बना हुआ है और इसमें नर्मदा जी का जल भरा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ भी इतनी भीड़ नहीं है कोविड के टाइम पे, लेकिन बाकी टाइम पे यहाँ खूब भीड़ रहती है, पर अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा। आप देख सकते हैं मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। और इस मंदिर के बीच में ये नर्मदा जी का कुंड भरा हुआ है। बहुत साल पहले यहाँ पे लोग नहाते भी थे पर बहुत गंदगी हो जाती थी, साबुन शैम्पू और फिर पानी बहुत गंदा हो जाता था, इसलिए यहाँ पे नहाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यहाँ पे नहाते नहीं हैं, सिर्फ आप दर्शन कर सकते हैं, नर्मदा जी की पूजा कर सकते हैं। और इसके चारों तरफ ये रेलिंग बनी हुई है और यहाँ से आप नर्मदा मंदिर का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए नर्मदा के जल में नर्मदा मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम धूप में चमक रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी मंदिर हैं, तो हम लोग और मंदिरों के भी दर्शन करेंगे। ये श्री राम जानकी मंदिर हैं, यहाँ पे श्री राम जी और सीता मैया की मूर्ति बनी हुई थी, तो हम लोग यहाँ पे भी राम जी के दर्शन कर लेंगे।
फ्रेंड्स यहीं पे कि प्रसाद भी मिल रहा था, खिचड़ी का प्रसाद, तो हम लोगों ने भी एक एक कटोरी प्रसाद लिया। सब लोगों ने प्रसाद खाया, टाइम भी काफ़ी हो गया था, भूख भी लग गई थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया और सभी लोगों ने बैठ के हम लोगों ने प्रसाद खाया। बहुत ही अच्छा लगा और ये मंदिर घूम के बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मंदिर कितना बड़ा है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। आप लोगों को भी अगर कभी लगे तो ज़रूर आके दर्शन कीजिएगा माँ नर्मदा जी का। फ्रेंड्स मेरे सेकंड पार्ट में और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने कैप्चर किया हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। इसमें मैंने कपिल धार, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अमरकंटक का पहला डेस्टिनेशन श्री नर्मदा मंदिर उद्गम स्थल। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझ पे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और मिलती हूँ अपने सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।